गाइज, आपने कभी ना कभी तो मिलिट्री की गाड़ियों को देखा ही होगा, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मिलिट्री की गाड़ियों की नंबर प्लेट नॉर्मल गाड़ियों की नंबर प्लेट से अलग होती है, क्योंकि आर्मी की गाड़ियां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर रजिस्टर्ड होती है, जो कि कुछ इस तरह से है, जिसमें नंबर प्लेट में पहले एक अपवर्ड एरो है जिसे ब्रॉड एरो बोलते हैं, जिससे का मतलब ये है कि आप इसे गलत ना पढ़े और ये एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और इसके बाद के डिजिट का मतलब है कि ये कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है। जैसे अगर 2021 में मैन्युफैक्चर हुआ है तो यहाँ पे 21 आएगा। इसके बाद के अल्फाबेट का मतलब कि ये कौन से क्लास की है, यानी ए का मतलब टू व्हीलर, बी का मतलब कार या जीप, सी मतलब लाइट मोटर व्हीकल, डी मतलब लॉरी या ट्रक, ई मतलब क्रेन, पी मतलब आर्मी बस, के मतलब एम्बुलेंस और एक्स मतलब आर्मर व्हीकल। और इसके बाद गाड़ी के 6 नंबर के रजिस्ट्रेशन नंबर है और लास्ट में एक अल्फाबेट चेक कोड है। सो गाइस, होपिंग कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।